नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 14 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों जानेंगे आज का यहाँ का फल और सब्जियों का भाव। दोस्तों आड़त नंबर 25 और 26 इनके पास भी जो है काफ़ी सारा वैरायटी आता है जी हरी सब्जियों में। आज जो है इनके पास फूल गोभी का 3 गाड़ी लगा हुआ है। और सर के पास मटर भी है। और आज भाई साहब क्या क्या फूल पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बैगन भरता है, घिया है और बाकी देख लेंगे जी और क्या क्या है इनके पास। आज़ादी के विषय में दो चार शब्द कहना चाहेंगे सर। जी सर जी, आज वो दिन है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। नहीं तो हम अपने देश के अंदर अंग्रेजों के गुलाम थे, हम गुलामी में जी रहे थे। लेकिन इसको सभी लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, आज़ाद भगत सिंह, अशफाकउल्लाह खां, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अशफाक, इन सब ने, जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे, सब मिल करके इस देश को आज़ाद कराया। आज हम खुली आबो हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं हमारे महापुरुषों की देन है। और हमें इस देश की तरक्की के लिए सबको मिल के काम करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबसे बड़ी चीज़ है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी होना चाहिए। जैसे नेता को अपने जितने भी इलाके में लोग हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, ये इलाके में जाएं, इन पे जनता विश्वास भी करना चाहिए ताकि लोग विश्वास भी करें। हमें तो प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास है कि देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और हिंदुस्तान का सीना फख्र से आज चौड़ा है। हमारी सरहदें मजबूत हैं और हमारी जो सरकार है, हमारे देश की जो बागडोर है, बहुत अच्छे गुणी महापुरुष प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और हम ये चाहते हैं कि भगवान इनको और शक्ति दे देश को मजबूत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया जी, शुक्रिया। एक बार आप अपना नाम भी बता दें सर। अनवर हुसैन अशरफी, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पश्चिमी जिला का मैं पूर्वांचल मोर्चा का प्रवक्ता हूँ। और केशवपुर मंडी के अंदर सर? केशवपुर मंडी के अंदर 26 नंबर में आड़ती हैं, जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो आप सर यहाँ पे काम करते हैं जी? मैं यहाँ काम करता हूँ, माल बिकवाता हूँ, सेलमैनी का काम करता हूँ। अच्छा, शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्या जो है भाई साहब से जानकारी ले लेंगे जी, क्या भाव बिका, जैसे चुचू बैगन, पत्ता गोभी, घिया, खीरा, फूल गोभी, मटर और बाकी जान लेंगे और क्या क्या था इनके पास। सर जी आज जो है क्या क्या राजी अपने पास है? अपने पास फूल गोभी थी, खीरा था, अपने पास छोटा बैगन था, खीरा था, मटर थी, बंद गोभी, घिया, शिमला मिर्च, फ्राज बीन। ये बिक रहा भैया, सुबह बिका 20 रुपये, अब बिका 15 रुपये। और भरता बैगन भी आया जी? भरता बैगन बिका 500 कट्टा, 40 किलो वजन। वजन कितना जी? वजन 40-35 किलो। अच्छा, और ये लंबे वाला जो बैगन आते सर? लंबे बैगन 10 रुपये 12 रुपये। अच्छा जी, और ये फूलगोभी कौन से एरिया का है जी? फूलगोभी भैया हिमाचल से आ रहा है, फूलगोभी बिक रही है 40-45 किलो। अच्छा जी, और हल्के वाले का क्या बाजार रहा है सर? हल्के वाली फूलगोभी बिकी है 20 से 25 रुपये। और ये पत्ता गोभी कौन से एरिया का जी? पत्ता गोभी सटाना आ रही है महाराष्ट्र की। भाव क्या मैं बिका 1600 से लेकर 1400 तक। अच्छा जी, वजन कितना है जी? वजन 60 से 55 किलो। अच्छा, और घिया क्या रेट बिका जी? अपना घिया 15 से 10 रुपये किलो। 15 से 10 रुपये। शिमला मिर्च सर? अपने शिमला मिर्च बिकी है 70 से 75 रुपये किलो। अच्छा जी, और मटर? मटर बिकी बढ़िया मटर 450-500 रुपये दड़ी। और हल्के में सर? हल्के में 300 और 350। अपने पास फराज बीन बिकी है 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो चाली फराज बीन। अच्छा जी, वो जाली वाली जी? हाँ जी, जाली वाली जी। अच्छा, और जो बैगर जाली में आती है सर? हाँ, वो बिके 30 रुपये 32 रुपये। अच्छा जी, और ये गवार वगैरह, ये सॉरी कुंदरू वगैरह भी आया था? कुंदरू बिका भैया 15 रुपये 12 रुपये। अच्छा जी, और क्या आया था सर अपने पास? बस घिया आया था, घिया तो घिया बताई दी आपको। हाँ जी, गोल घिया आया था 450 रुपये बिकी गोल घिया। अच्छा जी, लोबिया, लोबिया आया था, लोबिया बिका 30 रुपये 72 रुपये। सीताफल 20 रुपये 18 रुपये बिका। खीरा? खीरा बिका भैया 23 से 24 रुपये किलो। तेईस से चौबीस रुपये किलो। हाँ जी। अच्छा जी,
और भी कुछ आया जी अपने पास? बस यही है सर, क्योंकि माल कम है मार्केट में ना, माल कम आ रहा है। अच्छा जी, आज ग्राहक ही कैसा रहा जी? ग्राहक तो बहुत, और रात में तो कम था मगर अब निकला ग्राहक थोड़ी देर में। अच्छा जी, अभी बढ़ाया सर एकदम, मतलब रात में कम था अभी तेज हुआ है, एकदम तेज हो गया। और रेटों में सर परसों के मुकाबले कैसा है जी? नहीं दो दिन तो खैर काम बंद रहा मगर तो दो दिन में काम बढ़िया निकला। अच्छा, एक बार आड़त नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। हमारी आड़त नंबर है 25 26 28 50 नंबर। अच्छा जी, और मोबाइल नंबर क्या रहेगा? मोबाइल नंबर है 98 11 28 40 50 और दूसरा नंबर है 93 11 28 40 50। शुक्रिया जी। दोस्तों, इंदौर वाला हाइब्रिड खीरा ये जो है आज भाई काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहा है खीरे में रेट। पहले जो है इसका रेट था जी 18 से लेकर के 20 रुपए बढ़िया खीरे का रेट, आज जो है 25 से लेकर के 28 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है, क्वालिटी के हिसाब से रेट है जी। दोस्तों, देसी खीरा सहजानपुर का, इसमें जो है इसमें भी तेज़ी देखने को मिला जी रेट में। ये जो है पहले बिका था जी 22 रुपये 23 रुपये 24 रुपये तक, आज जो है 28 रुपये का भाव है जी, 28 30, मतलब इसमें भी जो है 25 से लेकर के 30 रुपये का भाव देखने को मिला है, क्वालिटी के हिसाब से रेट है। बाकी गाड़ी खाली हो चुका है, खीरे में जो है आज डिमांड अच्छा देखने को मिला जी। और सब्जी में जो है लगभग सभी सब्जियों में 2 4 5 10 रुपये तक तेज़ी देखने को मिला जी आज। दोस्तों, आड़त नंबर 20 इनके पास जो है केला का गाड़ी आता है जी, आज केला है एक गाड़ी इनके पास, घिया है, भिंडी है। तोरी और सर के पास क्या क्या है जानकारी ले लेते हैं सर से। नमस्कार जी, नमस्कार। भिंडी बिक रही है 12 रुपए, ये 10 रुपए 10 रुपए। और छोटी भिंडी जो आती है? छोटी भिंडी 15 रुपए की है। अच्छा, और ये तोरी सर? तोरी बिक रही है 10 रुपए 8 रुपए 10 रुपए 8 रुपए। हाँ जी। अच्छा जी, और केला क्या रेट में? केला चल रहा 18 20। अच्छा जी, और अरबी? अरबी बिकी है 22 रुपए। और परवल आया था सर? परवल आया था 26 रुपए का। अच्छा जी, और गाजर बिकी, गाजर 35 36। गाजर कौन सा वाला है? वही है सलाद वाला। अच्छा, और कुछ आया सर अपने पास? वही आया था। आज बाजार क्या सर? बाजार ठीक रहा है आज, कल के मुकाबले ठीक है बाजार। अच्छा जी, रेटों में बढ़ोतरी हुई? रेटों में 2-1-2 रुपए बढ़ोतरी हुई है। और ग्राहकी? ग्राहकी भी खूब है आज दबा के। अच्छा जी, और मंडी में गाड़ी कैसा रहा जी? सब मंडी में आवक खूब रही है आज हर चीज की। अच्छा जी, एक बार आड़त नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता। आड़त नंबर है 20, कॉन्टेक्ट 85 95 57 35। ओके जी, शुक्रिया जी। दोस्तों, किसी भी किसान भाई को कोई सा भी सब्जी बेचना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा माल आता है जी हरी सब्जियों में। दोस्तों, आड़त नंबर 16, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 नंबर में लहसुन अदरक और मिर्ची ये सब का काम है जी भाई साहब का। और आज जो है इनके पास लहसुन और मिर्ची आया था, मिर्ची बिक चुका जी, और बाकी जानकारी भाई साहब से ले लेंगे। सर जी, आज जो है अपने पास मिर्ची कौन से एरिया का आया था जी, और क्या भाव बताया? बुलडाना आई थी, महाराष्ट्र की। अच्छा जी, आज बहुत जल्दी बिक चुका जी, बाजार थोड़ा तेज था उसको। अच्छा अच्छा, कितना माल आया था सर आज अपने पास? आज ज़्यादा नहीं था, 50 60 बोरी थी। अच्छा जी, क्या भाव बिका सर? 60 से 70 रुपए किलो बाजार। 60 से 70 रुपए, कल के मुकाबले कितने रुपए तेज हुआ जी? 10 रुपए 10 रुपए। और लहसुन कौन सा एरिया का सर, और क्या भाव बिका? ये लहसुन देसी चल रहा है उत्तर प्रदेश का। अच्छा जी, 10 से 15 रुपए बाजार है इसका। अच्छा जी, 10 से 15 रुपए। कौन सा अपने पास छोटा साइज है सर? छोटा साइज है। अच्छा, इसका मोटा साइज क्या रेट बिका होगा सर? मोटा साइज 20 22 रुपए 25 रुपए। अच्छा जी, एक बार आड़त नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। आर्थ नंबर 16, कॉन्टैक्ट नंबर 77 01 98 39 02। अच्छा सर, अभी जो है नींबू और अदरक नहीं मंगवा रहे सर आप? अदरक आ रहा है, वो है 50 से 55 का बाजार है अदरक का। अच्छा जी, लाए हो जी आज अदरक? हाँ, बेंगलोर का अदरक है। अच्छा, 50 से 55, कौन सा है, धुला वाला है या सर बगैर धुले में? बगैर धुला। अच्छा जी, 50 से 55 रुपये बाजार है, बढ़िया अदरक, बढ़िया अदरक। अच्छा जी, और इसमें जो हल्का अदरक निकलता है सर, उसका क्या भाव है जी? हल्का कोई भाव नहीं है, 30 रुपये 35 रुपये पुराना, और नया भी शुरू हो गया है। अच्छा, नया कौन सा एरिया का स्टार्ट हो गया सर? बेंगलोर का ही आता है, नया 25 से 30 बाजार है। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना जी, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो दोस्तों, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।